गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा होममेड हेयर जेल। हाँ जी, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोग 1 वीक में अपने बालों को 3 इंच तक बढ़ा सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा हेयर जेल लेके आई हूँ जो कि आप लोग घर पे आसानी से बना सकते हैं। गाइज, आप लोगों को पता तो होगा ही, बालों से ही हमारी सुंदरता बनती है। काफी सारे लोगों को हेयर फॉल की समस्या रहती है, काफी सारे लोग गंजे रहते हैं, काफी सारे लोगों के बचपन से ही बाल नहीं होते हैं, यानी कि बहुत कम बाल होते हैं। तो ऐसे में वो लोग जो ट्रिक आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, वो जेल घर पे बना सकते हैं। और उस जेल को अगर वो लोग हफ्ते में एक बार लगाते हैं तो मैं 100% बोल सकती हूँ कि 3 इंच तक आप लोगों के बाल बढ़ जाएंगे, वो भी 1 वीक में। क्योंकि गाइस, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, हर किसी को अपने बाल बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे भी अपने बाल काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं भी यही चाहूँगी कि मैं अपने बालों की केयर अच्छे से करूँ। मैं क्या, हर कोई यही चाहता है कि वो अपने बालों की केयर अच्छे से करे। तो आप लोगों को अपने बालों की केयर करने के लिए आप लोग शैम्पू वगैरह तो यूज़ करते ही हैं, हेयर स्पा करते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं, लेकिन गाइस अगर आप लोग केमिकल ना लगा के नेचुरली चीज़ों को अपने बालों पर लगाएं तो और भी बढ़िया हो जाता है, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो गाइस, जो ये हेयर जेल मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी बनाना, हेयर जेल से हमारे बाल तो लंबे होंगे ही, साथ ही साथ हमारे बालों की जो जड़ है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, हमारे बाल शाइनी हो जाएंगे और हमारे बालों में अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आप लोगों को सीधे बताती हूँ किस चीज़ की मदद से आप लोगों ने ये जेल बनाना है और किस तरीके से ये जेल हमारे लिए बेनिफिट है। तो आइए आप लोग भी देखिए। इसके लिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पे अलसी लेनी है। अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है हमारे बालों की लंबाई को बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स, अलसी कुछ इस तरीके की होती है। अलसी हमारे बालों के जड़ों को मजबूत करके उसकी लंबाई बढ़ाने में फायदा करती है, साथ ही साथ ये हमारे नए बालों की ग्रोथ में भी मदद करती है जिससे हमारे बाल घने और लंबे दिखाई देते हैं। अगर आप लोगों के बाल लंबे नहीं हो रहे हैं या फिर झड़ रहे हैं तो अलसी आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। अलसी इस हेयर जेल को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए अब जानते हैं किस तरीके से आपने इसे बनाना है। आपने आधी कटोरी अलसी लेनी है। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आधी कटोरी अलसी ली हुई है और उसे आप लोगों ने एक पैन में डाल देना है। उसके बाद गाइस, मैं अब अलसी में 2 कटोरी पानी डाल दूंगी। पानी मिलाने के बाद आपने इसे मीडियम आंच पर रख देना है और इसे पकाना है। अब आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें व्हाइट कलर का झाग आने लगा है और ये झाग ही जेल में बदलता है। जैसे ही आप लोग देखेंगे झाग का पानी सूख गया है तो आप लोगों ने आंच धीमी कर लेनी है और फिर आपने कुछ देर तक इसे धीमी आंच पर पकाना है। और गाइस, अब आप लोग देख सकते हैं ये 2 कप पानी, आधा कप पानी रह गया है। अब आप लोगों ने गैस बंद कर देनी है और अब मैं इसे कुछ देर ठंडा होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि गरम गरम मैं इसका जेल नहीं निकाल सकती हूँ, इसीलिए कुछ देर तक मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी कि गुनगुना ना हो जाए। और अब गाइस, मैंने यहाँ पे एक डोंगा ले लिया है और इसके ऊपर मैंने कॉटन का कपड़ा रखा हुआ है। कॉटन का कपड़ा मैंने इसीलिए रखा हुआ है, इसी की मदद से मैं जेल निकालूंगी। फिर इसमें मैं अलसी को कुछ इस तरीके से डाल दूंगी। आप लोगों ने भी कुछ इसी तरीके से अलसी को इसमें डालना है, फिर इसे निचोड़ कर इसका जो जेल है वो हमने इस डोंगे में निकाल लेना है।
अनुसार इसमें हमने गाइस नारियल तेल मिलाना है। नारियल का तेल हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। ये हमारे बालों को नरिश करता है और साथ ही साथ हमारे बालों की लंबाई बढ़ाने में भी मदद करता है। तो मैं यहाँ पे एक चम्मच नारियल का तेल लूंगी और इसमें मिला लूंगी। आप लोग देख सकते हैं मेरा जो नारियल का तेल है वो जमा हुआ है, क्योंकि आजकल विंटर का सीजन है तो जो भी हमारे पास लिक्विड चीज होती है वो जम जाती है। तो नारियल का तेल अगर आप लोग भी यूज करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि ये जम जाता है। तो ये यहाँ पे अभी जमा हुआ है, मैंने ये अलसी का जेल निकाला है। ये हल्का गुनगुना है, तो मैं इसमें इसे मिलाऊंगी तो ये अच्छे से घुल जाएगा। तो अब मैं इसे यहाँ पे अच्छे से घोल दूंगी। सो फाइनली गाइस मैंने ये सारा घोल दिया है और आप लोग देख सकते हैं ये एक बहुत ही स्मूथ सा जेल बनके तैयार हो गया है। अगर आप लोग इस जेल को ज्यादा बनाते हैं तो आप लोग इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप लोगों ने इसे लिमिट का ही बनाया हुआ है तो आप लोग इसे अपने बालों पे लगा सकते हैं। गाइस देखा ना आप लोगों ने किस तरीके से मैंने वो जेल बनाया। अब मैं उस जेल को अपने बालों पे लगाऊंगी। तो ये है गाइस वो जेल। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जेल क्या होता है, एकदम ठंडा हो जाता है क्योंकि मैंने इसमें नारियल का तेल डाला था और आप लोगों को पता है आजकल वैसे भी थोड़ा बहुत ठंड तो है ही और ये जम सा जाता है, इसीलिए ये जब भी हम बालों पे इसे लगाते हैं तो हमें हल्का गुनगुना करना पड़ता है। तो मैंने ये आगे भी बना लिया था और अभी मैं खाना पीना खा के, मेरा डिनर हो चुका है और अभी मैं सोने जा रही थी तो मैंने सोचा चलो बालों पे लगा दूं। तो अभी मैंने इसे हल्का सा गुनगुना करा है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे अपने बालों पे लगाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को दो सेक्शन में बांट दूंगी। अभी मैं इसे लगाऊंगी अपने फिंगर की मदद से। ये देख सकते हैं गाइस आप लोग, बहुत ही ज्यादा स्मूथी सा पेस्ट है ये, मतलब जैसे एलोवेरा जेल होता है ना उसके जैसा ये जेल है। और हमें ये कुछ इस तरीके से अपने हाथों पे मलना होता है और फिर हम इसे इस तरीके से अपने बालों पे लगाएंगे। तो हमें अपने बालों की स्कैल्प पे इसे लगाना है, क्योंकि अगर हम इसे स्कैल्प पे लगाएंगे तो हमारे एक तो क्या होंगी, बालों की जड़ें मजबूत होंगी, हमारे बालों की ग्रोथ वहीं से होगी। कई लोग होते हैं अपने टिप्स पे नीचे यहाँ लगाते हैं, कई मैंने देखे हैं, कई लोग चाहे मेहंदी हो, कोई भी अगर हेयर स्पा करते हैं, कोई भी जेल लगाते हैं तो नीचे बालों के टिप्स पे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे लगा के हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। हमें अपने स्कैल्प पे लगाना होता है क्योंकि जब जड़ें ही मजबूत होगी तभी तो पेड़ बढ़ेगा, आप लोगों ने सुना होगा, इसीलिए जड़ें मजबूत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने पूरे बालों पे ये लगा लिया है और अभी मैं अपने बालों पे हल्का सा मसाज दूंगी, क्योंकि गाइज जब भी हम कोई तेल या हेयर मास्क लगाते हैं तो एक बार हमें अपने बालों पे मसाज जरूर देनी चाहिए। तो अभी हल्के हाथों से मैं अपने बालों पे मसाज दूंगी। इससे क्या होगा कि मेरी जड़ों में जो मैंने ये जेल बनाया है ये मेरी पूरे बालों की जड़ों में चले जाए, जिससे मेरी बालों की ग्रोथ अच्छी हो, साथ ही साथ मेरे बाल मजबूत हो, शाइनी हो, सॉफ्ट हो। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है ना कि जो ये जेल मैंने बनाया था ये हमारे बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, हमारे बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करता है। और अगर हमारे बाल नहीं हैं, यानी कि कई लोगों के बाल बहुत पतले होते हैं, कईयों के बाल ही नहीं होते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा जेल है, इससे बहुत जल्दी बालों की ग्रोथ बढ़ती है। गाइस अभी मेरा कंप्लीट हो चुका है मसाज, अब मैं अपने बालों को हल्के से क्लचर की मदद से बांध लूँगी। क्लेचर मैंने लगा लिया है और मैंने ये पूरा जो जेल था अपने बालों पे लगा लिया है। अब मैं अपने बालों को मॉर्निंग में धोऊंगी। मॉर्निंग में धोने से पहले मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्या करना है हमें। हम जब इसे मॉर्निंग में धोएंगे तो सबसे पहले मेरे को ठंडे पानी से, गुनगुने पानी से या गर्म पानी से अपने बाल बिल्कुल ना धोएं, हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं, दो मुए हो जाते हैं, इसलिए गर्म पानी से तो आप बिल्कुल भी ना धोएं। आप लोगों ने ठंडे पानी से ही अपने बालों को वॉश करना है। तो सुबह जब मैं अपने बाल धोऊंगी गाइस तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इन पे
साबुन से इसे धोऊंगी, उसके बाद जो भी मेरे पास शैम्पू है फिर मैं उस शैम्पू को लगाऊंगी बालों पे, और उसके बाद आप लोग खुद ब खुद देखेंगे कि किस तरीके का मेरे बालों पे असर आए। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, आप लोग ये मत सोचना कि दिन आज लगाए तो शायद कल उनके बाल लंबे हो जाएंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि हर एक चीज एक टाइम पे नहीं बढ़ती है। मुझे महीने तक ये लगाना पड़ेगा, यानी कि महीने में 3 बार ही लगाना पड़ेगा तभी जाके मुझे असर दिखेगा। तो गाइज बहुत ही परफेक्ट जेल मुझे लगा, तो चलिए देखते हैं कल क्या रिजल्ट मिलता है। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय। Wow. Oh my God! Wow! सो गाइज ये थी वो जेल जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। आप लोगों ने देख ही लिया होगा किस तरीके से मैंने इसे बनाया है, किस तरीके से लगाया है, और बाल धोने के बाद क्या मुझे इसमें असर दिखा है। मुझे तो गाइज बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ मेरे बाल थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। लेकिन गाइज मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरे आज ही आज में बाल बड़े हो गए हैं, हर चीज़ का टाइम होता है, बाल बड़े हो जाएंगे। अगर हम लोग महीने में 3 बार इसको फॉलो करते हैं इस जेल को, तो बहुत जल्दी आप लोग देख सकेंगे कि आप लोगों के बाल लंबे हो रहे हैं। अगर आप लोग गंजे हैं, आपके बाल नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग भी इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें, बहुत जल्दी आप लोगों को असर दिखाई देगा। सो आई होप गाइज आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेक श्योर मेरी इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, मेरी वीडियो को शेयर करके ज़रूर जाना, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।